त्वयि पायन विरह कातर आयु भाव पुत्रेति तन्मयतया करवोभिनेदुं स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तुस्मि कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। रामचंद्र प्रभु अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवियों को चरण में जथाजी प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कोई बात नहीं करनी हरि बोल। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे जो अजन्मा जो भगवान कृष्ण है वो कैसे गोकुल में दुई सर्वानंदमय ही भगवान की धाम श्री गोकुल नित्यानंद प्रभु की जय। प्रभुपाद की जय। प्रेमानंदे हरि बोल। अभी भी बस श्रीमति राधा रानी की कृष्ण को सर्वोत्तम रूप में उपासना करने वाले ये कौन है श्रीमती राधा रानी। लेकिन ये बात वो श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जो बात को बता नहीं पाए ये कौन ये कौन ये कौन। लेकिन श्री सनातन गोस्वामी यहाँ पर बता देते हैं कि ये कौन है श्रीमती राधा रानी। कि ये श्लोक क्या है कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमस्ते तत्र कांचन गौरांगी राधे सुते देवी प्रणमामि हरि देवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे कर सकते हैं कब जब कोई नहीं कर सकता फिर पूतना कैसे प्रवेश करेगा। यदि पूतना करे कैसे आगे इधर आप कैसे है प्रश्न में ये पूतना कैसे प्रवेश करेंगे। तब हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ये कृष्ण ने किया इच्छा है बोले अगर ये पूतना नहीं आती तो चला क्या अगर राम नहीं होता राम की लक्षण बनता कहाँ से नहीं लेता कृष्ण हो सकती है जगाई माताएं नहीं होते महापुरुष का महिमा दुनिया में प्रकाश सकता होता। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जब तो देख लीला खुशी है जिन जिनियों को हम देखते दूसरे तरफ में देखोगे ना ये भगवान की लीला को मदद करने वाली है भगवान की लीला को मदद करने वाली ये कृष्ण की इच्छा से चक्षुर्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय गणेशपदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय कमलाय विश्वमंगलो से सब चैतन्य लीला पुष्टि है। जिन जीवियों को हम देखते हैं ये सब के सब भगवान की शत्रु है। दूसरे तरफ से देखोगे ना ये भगवान की लीला को बदल देने वाली है, हैं? भगवान की लीला को बदल देने वाली। राधा रानी से प्रश्न करती है, बोले राधे आपका नाम को भागवत में किस रूप में ग्रहण करूं? सुखदेव गोस्वामी खुद कहते हैं मेरे नाम को स्पष्ट रूप में नहीं लेना, लेना तो मेरे नाम को छुपा करके मेरे नाम को ग्रहण करना है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप में नहीं लेके उन्होंने छुपा करके साधारण का नाम को उन्होंने ग्रहण किया है। इसलिए यहाँ पर इंदिरा मतलब होता है माँ, मूल लक्ष्मी है और मूल लक्ष्मी कौन है? कहते देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मयी। इसलिए श्री कृष्णदास कवियादि गोस्वामी चैतन्य चैतन्य अपार संसार समुद्र से तुम प्रजापे भागवतम स्वरूपम जन प्रभजंत मन प्रीतम अभेद नित्यम त्वयि पायन विरह कातर आयु भाव पुत्रेति तन्मय दया करवोभिनेदुं स्तम्भ जातम्।